हेलो फ्रेंड, वन सेकंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का बीए थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म आप सभी छात्र अपने मोबाइल फोन से कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको एग्जामिनेशन फीस भी पेमेंट करना, जो कि 1510 रुपये आपके एग्जामिनेशन फीस लग रहे हैं। और फ्रेंड, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सब्जेक्ट सेलेक्शन भी करना है और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके फाइनल सबमिट तक आपको शो करेंगे फीस पेमेंट भी कैसे करना है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। फ्रेंड, हमें गूगल पे जाना, जहाँ सर्च करना राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन शो होगा राम मनोहर लोहिया .ac.in। तो फ्रेंड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड के नीचे जस्ट दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, आप जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए पेज ओपन हुआ, जिसमें फ्रेंड यहाँ पे आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना। तो फ्रेंड, यहाँ पे अनाउंसमेंट में नोटिस वगैरह शो हो रही कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब फिलअप किए जाएंगे। और फ्रेंड, साथ में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आप जैसे आएंगे तो कि यहाँ पे फोर्थ नंबर पे दिया गया कॉलेज एग्जाम फॉर्म फिलिंग। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को जो भी BA BSc बीकॉम थर्ड ईयर व MA MSc एमकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों को कॉलेज एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2023 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र जैसे 2023 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कुछ टेक्निकल इशू होती है, अगर फीस पेमेंट वगैरह हो जाता है तो टोल फ्री नंबर दिया गया, आपको 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप कॉल करके वहाँ से पूछ सकते हैं। और फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पर दिया गया फील एग्जामिनेशन फॉर्म BA BSc BCOM BSc है जी। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को हम BA थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे फील एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे थर्ड नंबर पे दिया गया, इसको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है UG। तो फ्रेंड, हम UG सेलेक्ट कर लेंगे और कोर्स नेम में आप सभी छात्रों को BA थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके शो कर रहे हैं तो आपको BA थर्ड ईयर बैचलर ऑफ आर्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे बैचलर आप आर्ट पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ईयर और पार्ट सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, BA पार्ट 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और प्रीवियस ईयर रोल नंबर या UIN नंबर आपको फिलअप करना है, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम रोल नंबर को कॉपी किए इसको पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, रोल नंबर को कॉपी किए उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के, फ्रेंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपको कोर्स टाइप में अंडर ग्रेजुएट और BA पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके शो कर रहे हैं और कॉलेज कोड हो गया, कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ आपका शो हो जाएगा। और फ्रेंड, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम बस आपको दो या तीन जगह आपको फिलअप करना होगा, जो भी आपको अपना नाम स्टूडेंट नेम को हिंदी में फिलअप करना होगा और साथ में जो भी फादर नेम है उसको भी हिंदी में फिलअप करना होगा। और फ्रेंड, सब्जेक्ट सिलेक्शन को भी बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि फ्रेंड अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ गलत फिलअप कर दिया सब्जेक्ट में तो फ्रेंड आपको करेक्शन की डेट का वेट करना होगा, जो कि कॉलेज के द्वारा ही करेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड, हम स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में UIN नंबर हो गया, स्टूडेंट टाइप हो गया, एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम और सब कुछ इंग्लिश में बेसिक से आपकी ओपन हो जा रही है। बस आपको स्टूडेंट नेम में हिंदी में आपको फिलअप करना, फादर नेम हिंदी में भी फिलअप करना होगा और फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपका फिलअप है। और फिर फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड नहीं करना, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो भी आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया ऑटोमेटिक अपलोड रहेगा। और फिर स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आधार नंबर, जेंडर, रिलीजियन, सब कैटेगरी, पेरेंट्स, इनकम, सब कुछ आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा। और फिर स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे फ्रेंड यहाँ पे मेलिंग एड्रेस ऑफ कैंडिडेट में, इसमें आपको जो कि ऑलरेडी आपका जो भी एड्रेस है सब कुछ
विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, उत्तर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सब कुछ फिलअप होगा। प्रीवियस ईयर मार्क डिटेल में आपको जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल मार्क 1200 आपने जितना मार्क अपडियन जितने पाए हैं ऑलरेडी फिलअप रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर डिटेल में आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप सभी छात्रों को दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और फिर जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम मोबाइल से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ़ोन को अपने या तो पीसी मोड कर लेना या तो रोटेट कर लेना है, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि फ्रेंड तभी आपका जो कि सेलेक्ट पेपर शो होगा। तो फ्रेंड इनका जो कि हिंदी और संस्कृत यहाँ पे फ्रेंड इनका हिंदी और संस्कृत यहाँ पे पेपर है जो कि दो पेपर, तो फ्रेंड ऐड पेपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही ऐड पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पेपर सारा पेपर डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपको सेलेक्ट ऑप्शनल पेपर यहाँ पे कुछ नहीं कंपल्सरी पेपर यहाँ पे दिया गया है। हिंदी और संस्कृत के जो भी स्टूडेंट है आप सभी छात्रों कंपल्सरी पेपर यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में हिंदी भाषा साहित्य हो गया, हिंदी भाषा और जो कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट जो कि हिंदी के 3 सब्जेक्ट हो गए और जो कि 3 सब्जेक्ट संस्कृत के हो गए। तो फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए आपको कंपलसरी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना। और जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है उसमें कुछ कोर्सेज में जो कि यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, जैसे आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 3 3 ग्रुप में से एक पेपर सेलेक्ट करना होगा जो भी जैसे दिया रहेगा। और फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना, नीचे जाने के बाद फ्रेंड आपको फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को भी पता हो जो भी एग्जामिनेशन फीस है बीए बीएससी बीकॉम की बीए बीएससी की जो कि थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं ₹1510 आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको फीस पेमेंट करने के लिए रेफरेंस आईडी वगैरह मिल जाएगी। तो फ्रेंड आपको फीस पेमेंट करने के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया, सेम स्टेप फॉलो करके आप सभी छात्र बीए बीएससी काम किसी भी ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म को फीस पेमेंट कर सकते हो, भी मुश्किल से फोन पे या गूगल पे या पेटीएम या तो अपने यूपीआई से हो गया या तो नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म की पेमेंट कर देंगे आपको फिर एक फॉर्म नंबर मिलेगा जिससे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद फ्रेंड एक कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा करनी होगी और एक अपने पास रखना होगा, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होगा 100%। नहीं तो फ्रेंड अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में नहीं सबमिट करते हैं तो आपका वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों को यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इंफॉर्मेशन की वीडियो हमेशा आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।